तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं बलून बलून एयर कार, मतलब कि बलून से जो बलून में जो हवा होती है ना फ्रेंड्स, उससे चलने वाली कार बनाने वाले हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना पड़ेगा, एक बोतल लेना है कुछ इस तरीके का। तो आप छोटा बोतल भी ले सकते हैं इससे, तो चाहे बड़ा बोतल ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा बोतल मत लीजिएगा। तो और हमें चाहिए कुछ इस तरीके का पाइप, आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा गैप है, तो हमें ये पाइप ले लेना है। आप ये पाइप ना हो तो आप स्ट्रॉ भी ले सकते हैं जिससे जूस पीते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको काट लेना है, तो मैं इसे काट लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली कट गया है ये। तो हमें दो पीस चाहिए इसके, तो इसी साइज़ के हम लोग दो पीस काट लेते हैं। पहले इसको नाप लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इतना हमें चाहिए एक। तो हमें दो पीस चाहिए बस, तो हम लोग दो पीस ले लेंगे। और इसे क्या करना है, इन दोनों पीसों को यहाँ पर इसके नीचे चिपकाना है, जो बोतल है हमारी इसके नीचे कुछ इस तरीके से ऐसे चिपका देना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग चिपका लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसे चिपका दिया है। तो हमें क्या करना है, अब हमें ले लेना है कुछ इस तरह का रिफ़िल, आप देख सकते हैं पेन की जो रिफ़िल होती है ना, तो फ्रेंड्स ये ले लेना है। और इसका जो ये निप है, इसको निकाल देना है बाहर। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो मैंने जो इसकी नीप होती है वो निकाल दी, आप देख सकते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर डाल के एक बार चेक कर लेना है कि अच्छे से इसमें रोल करेगा नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें रोल कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके दो पीस काट लेने हैं और काट के निकाल लेने हैं, और आगे और पीछे के लिए। तो हम लोग इसको काट के निकाल लेते हैं इसमें से दो पीस। मैंने पैन के रिफ़िल के दो पीस काट लिए हैं कुछ इस तरीके के, एक साइज़ के काटे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और हमें चाहिए कुछ इस तरह के कैप, आप देख सकते हैं बोतल के जो कैप होते हैं, वो बोतल के कैप चाहिए हमें। तो हल्के वाले लेने हैं, और आप चाहे तो दूसरे भी ले सकते हैं। वैसे तो मैं हल्के वाले यूज़ कर रहा हूँ कि ज़्यादा हल्का बना सकूँ, जब तो चलेगा एयर से। तो हमें क्या करना है, इसको इसमें डाल देना है और एक बार डाल के चेक कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी ईजिली इसके अंदर घूम रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले इसके अंदर जो छेद है यहाँ पे हमें छेद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग छेद कर लेते हैं। और क्यों करना है वो छेद आपको पता चल जाएगा अभी। तो मैं पहले साइड में देता हूँ सब सामान, और यहाँ पे छेद कर लेता हूँ। तो छेद करने के लिए मैं सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करता हूँ सिंपल। हमने जो इसमें होल कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने टेढ़ा होल किया है। क्यों किया है, हमें चाहिए ये पेन, इसको साइड में रखते हैं पहले, और ये पेन चाहिए और इसकी बॉडी चाहिए। इसको खोल के निकाल लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे निकाल दिया है। अब इसे क्या करना है, मैं इस बॉडी को, ये जो होल किया है मैंने, इसके अंदर कुछ इस तरीके से डालना है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ऐसे डालना है, लेकिन अभी नहीं, इसको हम लोग निकाल देते हैं। मैं आपको बता रहा था सिंपल कि कुछ इस तरीके से ऐसे डाल देना है इसको। तो मैं इसे निकाल के रख देता हूँ साइड में। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका जो पहिया है उसको इसमें फिट करते हैं। तो फटाफट से हम लोग काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने फाइनली सब में छेद कर दिए हैं चारों में। तो हमें क्या करना है, इसको इसमें अब फिट करके देख लेना है कि काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं। फ्रेंड, टाइटली आना चाहिए, वैसे ढीला रहेगा को चिपकाना पड़ेगा हमें। तो आप देख सकते हैं कि एकदम फिट आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको इसमें लगा देना है। अब लगा लेते हैं इस बोतल में। तो इसको पहले मैं आगे लगा लेता हूँ। तो हमने इसके ढक्कन को फिट कर दिया है। तो अब आप देख भी सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है ये आगे पीछे। तो हमें क्या करना है, अब ये जो हमारा ये था बॉडी पैन का, इसको क्या करना है, इसके अंदर अब डाल देना है। तो हम लोग डाल देते हैं। तो इसको पूरा अंदर कर देना है, मतलब थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए, और बाकी सब पार्ट इसका ऊपर। तो हमें इतना पार्ट इसका बाहर रखना है जो पहिए से थोड़ा ऊपर रहे, जो कि हवा नीचे मारे तो गाड़ी आगे भागे, इसलिए हमें थोड़ा यहाँ रखना है। और इसके ऊपर बलून को बांध देना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये बलून है। इस बलून को फुला के, नहीं तो चाहे आप चाहे तो इस पे ऐसे बांध सकते हैं, और इसको आप निकाल के फुला सकते हैं बार बार। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस पे बांध देते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे यहाँ पे एयर कार बनके तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। ये बलून को मैंने यहाँ पे अच्छे से एकदम टेप लगा दिया, और काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम टाइटली इस पे बांध दिया है कि निकले ना जल्दी। तो फ्रेंड्स, मैं इस पे परमानेंट इसको चिपका दिया है, जो ये है रिफिल, मतलब कि पेन की बॉडी, क्योंकि ये हम लोग इसको बार बार निकालें, बार बार लगाएं, ये बेकार लगता है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा फूंक मारेंगे, और इससे इसमें हवा भर जाएगी, और ये जो है आगे भगेगी अपने आप ही। जैसे ही इसका प्रेशर यहाँ से निकलेगा, वैसे ही आगे जाएगी। तो चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं और टेस्ट भी कर लेते हैं इसका। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये एयर कार। तो फ्रेंड्स चलिए इसका टेस्ट कर लेते हैं। हमने इसमें बलून में काफ़ी तगड़ा एकदम एयर भर दिया, आप देख सकते हैं पूरा एकदम फुल हो गया है। तो फ्रेंड्स क्या करना है इसको, मैं आप देख सकते हैं मैंने इसको पीछे से पकड़ रखा है यहाँ से कुछ इस तरीके से, और इसे छोड़ेंगे वैसी हवा निकलने लग जाएगी, आपने सुना भी हवा। तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ पीछे रखता हूँ मैं और यहाँ से छोड़ता हूँ और देखता हूँ कितनी दूर जाने वाला है ये। तो 3, 2, 1, गो। तो फ्रेंड्स आपने देखा काफ़ी तेज़ जा रहा है, या तो टेबल से नीचे गिर जाता है ये।